हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इस्लाम। अभी हम देखेंगे इडाकल कैब्स के बारे में देखेंगे। सो ये अभी रिसेंटली न्यूज में, चलिए देखते हैं क्या है। सो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए। एंड रिसेंटली देखेंगे एनवायरमेंटलिस्ट जो है, ठीक है, वायनाड में क्या है ना, वेलकम के डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द मेजर्स टू कंजर्व द नियोलिथिक पेट्रो ग्लेव्स ऑन द वॉल्स ऑफ द इडाकल कैब्स। सो इडाकल कैब्स में जो नियोलिथिक पेट्रोग्लाफ से, ठीक है, जो वाल में है, तो उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। सो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। सो इडाकल कैब्स के बारे में देखेंगे, ये जो कैब्स है लोकेटेड है कहाँ पर ना, अम्बू कुथी हिल्स। कहाँ पे? ये पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट है ऑन द मैसूर प्लाटू में है। कहाँ पे ना, इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। सो ये जो है, ये 1200 मीटर्स एवो है जो कि सी लेवल से, एंड इट हैज द एनग्रेविंग फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड्स। सो इट इज द ओनली एविडेंस फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ द ट्रू नियोलिथिक कल्चर इन द केरला। सो जो कि नियोलिथिक कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, तो किसका जो देखेंगे, तो इसका जो एविडेंस ये यहाँ से भी मिलता है जो कि केरला से। इडाकल कैब्स जो है यार फेमस है फॉर इट्स पिक्चोरियल पेंटिंग्स, जो कि कैब पेंटिंग बोलते हैं, व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी द 6000 BC। इडाकल इज द ओनली नोन प्लेस इन द इंडिया व्हिच स्टोन एज कार्विंग है। ठीक है, इंडिया में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इडाकल कौन सा जगह है जो कि इंडिया में, जो कि वहां पे स्टोन एज कार्विंग है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो इडाकल इज द ओनली प्लेस, ठीक है, ओनली प्लेस जाके में जो कि स्टोन एज कार्विंग हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक यू।